अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम समरेज़ हफीज़ है और आपको दी पर्सपेक्टिव्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि मुसलमान जो है वो इजादात और जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ और इन्वेंशन हैं उनसे परेशान क्यों होते हैं। उसकी वजह ये है कि जब किसी कम्युनिटी की या किसी शख्स की किसी प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूशन ही ज़ीरो है तो वो उस प्रोसेस के आउटकम से घबराएगा ही ना। वो फिर उसको उसमें से साजिश नज़र आएगी जो हमारी है। अब हमारे यहाँ इफ़ वी डोंट रियली अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ वायरोलॉजी तो हमें तो हर वायरल अटैक जो है वो एक साजिश नज़र आएगा कि किसी और ने बना रखा है और कोई और जो है वो किसी चीज़ को वेपन के तौर पे इस्तेमाल करेगा। तो दैट्स देयर राइट बिकॉज दे आर द रियल क्रिएटर्स ऑफ दैट प्रोसेस। तो जब किसी चीज़ में आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन ही ज़ीरो है तो उस चीज़ के आउटकम से आप डेफिनेटली घबराएंगे। अब जैसे देयर इज़ अ सब्जेक्ट कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब मुस्लिम्स आर नॉट रियली कॉन्ट्रीब्यूटर्स उस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो वेल देर आर इंस्टीट्यूट्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग लाइक जैसे निबजी है फैसलाबाद में जिन्होंने बीटी कॉटन वगैरह बनाई और वो मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान जो हैं वो टेसेट जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन है और मुसलमान डायरेक्टली टेसेट बेनिफिशरीज भी हैं। वो इनडायरेक्ट है सारा कुछ, कॉन्ट्रीब्यूशन तो ज़ीरो है अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो। जो आदमी जो है वो बेनिफिशरी होता है किसी चीज़ का लेकिन उसका क्रिएटर और कंट्रीब्यूटर नहीं होता, उसको क्रिएट करने में उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वो घबराता ही है। उसको फिर उसमें यहूदियों की साजिश, उसमें हिंदुओं की साजिश, उसमें हर चीज़ की साजिश ही है। फिर तो रियलिटीज़ तो बदल रही हैं। अब फिर रियलिटीज़ के बदलने को एक्सेप्ट आपने कैसे करना है, वो दो तरह का है ना कि आपने पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है या आपने नेगेटिवली एक्सेप्ट करना है। अब देखिए खुर्शीद रिजवी साहब हैं हमारे उस्ताद हैं, हमारे मोहसिन हैं। मैंने उनसे एक दफ़ा डायरेक्टली सवाल पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि मुसलमानों के यहाँ जो रियलिटीज़ बदल रही हैं, मुसलमान उन रियलिटीज़ के या तो अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल के उसको एक्सेप्ट करते हैं और मज़ीद नॉलेज गेन करते हैं, मज़ीद इंफॉर्मेशन अटेन करते हुए अपने नॉलेज बेस को बढ़ाते हैं और उन्हें इस्लाम की भी अच्छी समझ आती है। मगर वॉट अबाउट दोज मुस्लिम जो ये समझते हैं कि नई इजादात जो हैं वो उनके लिए मीनिंगलेसनेस का बायस बनती हैं। जैसे उसकी मैं मिसाल दूँगा आपको, ये जब खुर्शीद रिजवी साहब से हमारी डिस्कशन हुई तो उनसे हमने बात की कि देखिए मेराज का कॉन्सेप्ट है तो मेराज का कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी नेचर और ज़ात में बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। अब व्हेन रसूल पाक सल्लम क्लेम्ड दैट ही हैड बीन टू अ जर्नी तो वो सहाबा कराम जो थे उनको तो बताने की कंपेनियंस डिड नीड टू नो वेदर इट हैपेंड और नॉट। कंपेनियंस जो हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके महबूब होते हैं और जिनके आप महबूब होते हैं उनके लिए आपकी बात की अहमियत होती है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेयर्ड दिस विद द कंपेनियंस एंड देन एक्सेप्टेड इट। मगर ये देखिए हिस्टोरियंस ऑफ दैट टाइम हैड टू राइट समथिंग अबाउट इट। अब उन हिस्टोरियंस ने कुछ ना कुछ तो उस पर लिखना था ना। देयर वर्ल्ड व्यू वॉज वेरी नैरो। अब एट दैट टाइम अरब कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड वॉज के वर्ल्ड इज जस्ट अ काइंड ऑफ टेरा फर्मा बेस्ड रियालिटी, यानी टेरा फर्मा है ज़मीन जो है वो कायनात के सेंटर में है और एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और ज़मीन ही मरकज़ है कायनात का। और उस वक्त ये भी तसव्वुर था कि टेरा फर्मा ज़मीन फिक्स्ड है और एक चपटी प्लेट की मानंद है तो पीपल नेवर ट्रेवल्ड कोई बड़े बड़े डिस्टेंसेस को कवर नहीं करते थे। और अरबों के पास उस वक्त जो है वो बड़े महदूद मीन्स थे लोकोमोशन के। सबसे तेज़ रफ्तार घोड़ा, खच्चर और ऊंट थे, सबसे तेज़ रफ्तार घोड़ा था। तो हिस्टोरियंस ऑफ दैट टाइम व्हेन स्टार्टेड राइटिंग अबाउट मेराज तो उन्होंने उसको लिखा कि बुराक पे सफ़र किया। अब बुराक का लफ्ज़ बर्क से है, रफ्तार से। तो उस ज़माने का बुराक जो है वो परों वाला घोड़ा है। अब अरबी की पुरानी उठा के देखें तहरीरें तो उसमें बुराक जो है वो परों वाला घोड़ा है क्योंकि उनके उनके वर्ल्ड व्यू में घोड़ा जो है वो इतना तेज़ रफ्तार नहीं भाग सकता कि जितनी ज़मीन है उसमें से चक्कर लगाए, कायनात में से वापस भी आ जाए, कुंडी भी हिल रही है, बिस्तर भी अभी गर्म है। तो उन्होंने उस घोड़े को पर लगा दिए। अब फिर आप ये देखिए कि वक्त गुजरता रहा, फिर माइकल फैराडे केम अलॉन्ग, फिर बिजली की बात होने लग गई तो बर्की रॉ का मसदर भी तो बर्क है ना,
रफ्तार, तेज़ रफ्तार. तो एट दैट टाइम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड, ह्यूमन बीइंग्स थॉट कि इट्स द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग एजेंट. क्यों? क्योंकि बिजली चमकती है तो रोशनी जो है वो बहुत पहले दिखाई देती है, आवाज़ बाद में आती है. तो लेकिन बिजली तो तेज़ रफ्तार थी उस वक्त के ज़माने की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली. तो वही बुराक जो है वो बरकी रॉ हो गया, क्या बिजली की रफ्तार से गए और वापस भी आ गए. फिर देन आइंस्टाइंस थेरी ऑफ रिलेटिविटी केम अलॉन्ग. आइंस्टाइन ने बात की कि ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर. व्हेन मास ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इट बिकम्स एनर्जी, एंड व्हेन इट बिकम्स एनर्जी टाइम एंड स्पेस डायलेट कर जाते हैं, यानी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मीनिंगलेस हो जाते हैं. तो उससे हमारे लोगों ने फिर उसको अप्रूव करने की या डिसअप्रूव करने की कोशिश की कि मिराज क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हुआ या नहीं हुआ, उसके मीनिंग्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए. तो मिराज को फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, यानी हमने लाइट की स्पीड से गए, क्योंकि रोशनी जो है वो कंसिडर की जाती है कि ये सबसे ज़्यादा तेज़ है. तो फिर मिराज का वाकया जो है वो ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन हो सकता था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू. तो मुसलमानों ने उसके थ्रू एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया. लेकिन फिर उसमें भी दो धड़े हैं जो ये कहते हैं कि ये तो डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप मज़हब को, एक लड़ी से दूसरी लड़ी तक. लेकिन ये कि डीकंस्ट्रक्शन में और रीकंस्ट्रक्शन में बस थोड़ा सा फ़र्क है, और यही मुसलमानों को जानना है कि डीकंस्ट्रक्शन से ज़्यादा यहाँ रीकंस्ट्रक्शन है. इसमें से आप मुस्बत मानी भी तो ले सकते हैं कि अगर कुरान आज भी रेलेवेंट है तो वो फिर हर ज़माने की नीड और ज़रूरत के तहत अपने मीनिंगफुल होने को साबित करता है. और देख लीजिए कि तीनों ज़मानों में उसकी रेलेवेंस पर उस वक्त के नॉलेज के अकॉर्डिंगली है. और यही वो बात है जिस पे हमें ज़रूरत है इज्तिहाद की. और वो जो इज्तिहाद है वही तो फिर इंसान की ज़िंदगी से मिसिंग है. इसीलिए फिर हम आइंदा जो है वो इज्तिहाद के मौजू पे तफसील से बात करेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस पे कि ये क्यों ज़रूरी है, और ये जो डीकंस्ट्रक्शन से रीकंस्ट्रक्शन वाली मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के अंदर फ़र्क है, और ये वर्ल्ड व्यू के अंदर जो तब्दीली रिक्वायर्ड है वो कैसे आएगी और क्यों आएगी, इस पे हम बात करेंगे. हमारा नेक्स्ट मौजू होगा इज्तिहाद कितना ज़रूरी है, और रीकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम जो है उसकी नेचर क्या होगी और कैसे होगी. थैंक यू.